लास्ट टाइम वी वर डूइंग लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, लाइक वी हैव डन फॉर डन इट फॉर कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन पर दोबारा देखते हैं जल्दी से. कार्बोनेट आयन ये बनाया था हमने, जैसे डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये आया था. ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. लास्ट टाइम मैंने ड्रॉ कर दिया था ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं इसके ऐसे. क्लियर? रेजोनेंस बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी जितना समझ आता है उतना कर लेना. डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. तो इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने. अगला, उससे अगला ये बनाया. और रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड ये होते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता. रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा उसमें डबल बॉन्ड इधर भी, इधर भी, इधर भी, और बाहर ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड. ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, यही एग्जिस्ट करता है. इसकी एनर्जी जो है इन तीनों से क्या होगी, कम होगी. स्टेबल ज्यादा है ना तो एनर्जी कम होगी, और जो डिफरेंस होगा रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेंट. इन तीनों में से कोई एक जो ज्यादा स्टेबल है, हालांकि ये तीनों इक्वली स्टेबल है क्योंकि दो नेगेटिव इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, दो नेगेटिव इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, दो नेगेटिव इधर है, एक डबल बॉन्ड इक्वल है, तो इक्वली स्टेबल है ये तीनों. एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म, रेजोनेटिंग फॉर्म, जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है और जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है, इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है वो होता है रेजोनेंस एनर्जी. और इसकी एनर्जी हमेशा कम आएगी, कम आएगी, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है. और ये तीन स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग है या कैनोनिकल है, कैनोनिकल है, रेजोनेटिंग, कैनोनिकल या हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी, क्योंकि इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है? और इससे ये बना कैसे एक्चुअल में, अगर देखना चाहें तो ये देख भी सकते हैं इस चीज को. जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते समय ना एटम्स की पोजीशन हमेशा सेम रहनी चाहिए. एटम देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, सेम पोजीशन है. पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर, वो सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज होती है, उनकी पोजीशन चेंज होती है. कैसे? जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, या इससे पहले अगर मेरे को इससे ये स्ट्रक्चर लेके आना है, ये स्ट्रक्चर लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे? यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर गया है, कैसे गया? ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, तो ऊपर ये एक बॉन्ड टूट गया, ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड. नेगेटिव मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जब बॉन्ड ऊपर जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव. ध्यान देना जरा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जब ये एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर पॉजिटिव आना चाहिए था, पहले से नेगेटिव था इसलिए चार्ज खत्म, और इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे नेगेटिव आ गया, और बीच वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और दे भी रहा है, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा. नहीं समझ आया तो छोड़ देना, सिर्फ यही करना है बस. इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाने हैं, डबल बॉन्ड इधर था, एक बार इधर दिखाएंगे, एक बार इधर दिखाएंगे, यही दिखाया थी. बॉन्ड ऑर्डर भी लास्ट में मैंने बताया था, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो सब बाद में करेंगे. कि बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड्स हैं उस बॉन्ड के अंदर. सपोज मैंने इसमें पूछा कार्बोनेट आयन के अंदर कितने बॉन्ड है सीओ बॉन्ड में, तो कोई भी एक सीओ बॉन्ड देख लो. मान लो इस स्ट्रक्चर में ये देख लिया मैंने, ये सीओ बॉन्ड है, इधर कितना है? एक. इधर इसी बॉन्ड में इधर, तो इधर ही देखना है, इधर ही देखना है, इधर कितने बॉन्ड? एक, इधर एक, इधर दो, तो 1 + 1 + 2 4 हो गया, डिवाइड बाय 3 स्ट्रक्चर है, 1 2 3 / 3 4 / 3. और दूसरा तरीका जो मैंने कंसेप्ट सिखाया था, ये बॉन्ड ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर. और जो मैं कंसेप्ट सिखाया था वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा. सीओ बॉन्ड को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीनों एक एक बॉन्ड तो है ही, मिनिमम एक बॉन्ड तो है ना इस बॉन्ड में. कोई भी एक बॉन्ड ले लो, एक एक एक, जो ये एक बॉन्ड है ये तीनों स्ट्रक्चर में इक्वली शेयर होगा, एक जैसे स्ट्रक्चर है ना तीनों, तीनों में इक्वली शेयर होगा, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 तो है ही बॉन्ड, 1 + 1/3, 1 + 1/3. ये भी निकाल सकते हैं इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर, मतलब यहाँ पे 1.33 बॉन्ड है, यहाँ पे 1.33, यहाँ 1.33, यहाँ 1.33, इस तरीके से सारी बॉन्डलेंस क्या आएंगी? इक्वल. क्वेश्चन आएगा कि सीओ कार्बोनेट आयन के अंदर सारी बॉन्डलेंस इक्वल क्यों है, तो
तो क्या रीजन आएगा इसका? रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस हो रही है इसमें इसलिए सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी। और अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है, एक टर्म और है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज यानी किसी भी ऑक्सीजन एटम में फॉर्मल चार्ज कितना है, तो ये भी आगे वाली बातें हैं सारी, बस एक हिंट देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मल चार्ज देखो, दो नेगेटिव का चार्ज है और शेयर कहाँ पे हो रहा है? तीनों में, एक नेगेटिव दो नेगेटिव, शेयर कहाँ हो रहा है? इस ऑक्सीजन पे भी, इस पे भी और इस पे भी, शेयर तीनों पे हो रहा है। तो फॉर्मल चार्ज होगा -2/3, ये फॉर्मल चार्ज होगा इसमें। ये IIT मेंस और नीट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जाके सब मैं कराऊंगा दोबारा, अभी मेरे को थोड़ा सा हिंट देना था, मैंने हिंट दिया। फिर ये फॉर्मल चार्ज आएगा -2/2, नेगेटिव है और तीन जगह शेयर होगा, देख लो दो नेगेटिव है ये, अब ये दो नेगेटिव इधर आ गया, अब ये दो नेगेटिव इधर आ गया, दो नेगेटिव और तीन जगह शेयर हो रहा है इसलिए -2/3। और भी तरीके, इसमें तो रेजोनेंस हो रही है, फॉर्मल चार्ज ऐसे निकलेगा, सही ना। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर समझ आ गया तो बहुत सी बात है, नहीं तो आगे ही करना है, ये बहुत डिटेल में चलना टॉपिक वाला। तो नेक्स्ट, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया से फॉस्फेट आयन ले लेते हैं, फॉस्फेट आयन PO4 3-, 3 नेगेटिव है यानी तीन नेगेटिव वाले ऑक्सीजन होंगे, तीन नेगेटिव वाले एक डबल बॉन्ड वाला, ऐसे ही होगा ना, छः इलेक्ट्रॉन, मैं एक लुई स्ट्रक्चर बना देता हूँ उसका ताकि लुई स्ट्रक्चर भी क्लियर रहे। पांच इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच इलेक्ट्रॉन दिखा दिए फॉस्फोरस के, फॉस्फोरस के पांच इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ऑक्सीजन एक ही रहा 6 इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन तो 7 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव वाला दूसरा नेगेटिव वाला तो इसके बाद भी 7 इलेक्ट्रॉन, तीसरा नेगेटिव वाला इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने एक पेयर ले लिया, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने एक पेयर ले लिया, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने एक पेयर ले लिया, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसने एक पेयर ले लिया। ये लिमिटेशंस हैं ऑक्टेट थ्योरी की, क्योंकि फॉस्फोरस जब इलेक्ट्रॉन लेगा सबसे एक एक, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास? इट विल बी हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 5 ये 5 मिलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। तो इसलिए ऊपर से 2 शेयर किए थे, नीचे एक, इधर भी एक, इधर भी एक, तो इसलिए फॉस्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये लिमिटेशन है ऑक्टेट थ्योरी की, मैं भी डिस्कस करूंगा लिमिटेशन, लेकिन स्ट्रक्चर देख लेते हैं बार इसका। तो ये था फॉस्फेट आयन, दिस वॉज फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो ये बना दिया, रेजोनेंस इसमें भी होगी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब डबल बॉन्ड इधर है, इधर भी आस्ता है, डबल बॉन्ड इधर है, इधर भी आस्ता है, इधर भी आस्ता है, चारों जगह आएगा, ऐसे ही नेगेटिव भी शिफ्ट करेगा। तो ये स्ट्रक्चर दिखा दिया मैंने, पी ऊपर नेगेटिव, डबल बॉन्ड इधर नेगेटिव नेगेटिव, फिर डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट करेंगे, पी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड इधर नेगेटिव इधर, फिर आगे शिफ्ट कर देंगे, पी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड, समझाया कि नहीं। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा इसका? रेजोनेंस हाइब्रिड पी ओ ओ ओ ओ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये 3-, दिस इज PO4 3-, ये आ जाएगा फॉस्फेट आयन, सही ना। और अब इसमें अगर मैं पूछूं, ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, अगर मैंने पूछा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, पीओ बॉन्ड का, पीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो क्या कहेंगे? एक बॉन्ड तो दिख ही रहा सब में, एक बॉन्ड कोई भी एक बॉन्ड ले लें, ये ले लिया अगर मान लिया, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, एक तो होगा ही बॉन्ड ऑर्डर पीओ बॉन्ड का, पीओ बॉन्ड एक तो होगा ही बॉन्ड, और बाकी ये वाला बॉन्ड चारों में शेयर होगा इक्वली, एक बॉन्ड है चार जगह शेयर होगा, तो 1+1/4 1.25। नहीं समझ आ रहा है ऐसे तो दूसरा तरीका बुक के फॉर्मूले से, जैसे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख लेंगे एक पर्टिकुलर बॉन्ड में, इस बॉन्ड में देखा मैंने 2 बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, इधर एक है, इधर एक है, टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 2, 3, 5, टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, तो 5/4, ये आ गया बॉन्ड 5/4 1.25, सेम चीज़ आ जाएगी, सही ना। और फॉर्मल चार्ज कितना होगा? 3 नेगेटिव है और कितनी जगह शेयर होगा? 4 जगह, 3 नेगेटिव, इसको देखते हुए लग रहा है 3 नेगेटिव 4 जगह, 3 नेगेटिव 4 जगह, तो -3/4 क्या होगा? फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज होगा -3/4, समझ आया कि नहीं है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इस बॉन्ड को लेंगे तब भी सेम चीज, हर सेम आएगा, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, चार चार होगा और एक ये 5 होगा ना बॉन्ड, एक बॉन्ड तो था ही सब, एक 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 एक, ये एक जो बॉन्ड है ये वाला, ये 4 जगह शेयर होगा, 1+1/4 सेम चीज़ आ जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मल चार्ज इसमें बता दिया, पोजीशन ऑफ एटम्स क्या है सेम है, सिर्फ क्या चेंज होता है पेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मेरे को इससे ये स्ट्रक्चर बनाना है, इस वाले से ये बनाना है,
तो मैं क्या करूँगा, इसके नेगेटिव को इधर शिफ्ट करूँगा तो डबल बॉन्ड आ गया, और इसका नेगेटिव ऊपर तो ऊपर नेगेटिव आ गया, इससे बन गया। ऐसे ही अगर इससे ये बनाना है, मेरे को दिख रहा है डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव इधर आ गया। अब इससे ये बनाना है, डबल बॉन्ड इधर करना है मेरे को, तो फिर मैं ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजूंगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो ये इस तरह से शिफ्टिंग होती है, कर्व डायरो जरूर आना चाहिए। अब ये नहीं समझ आएगा तो बाद में समझ आ जाएगा। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर दिखा दिया मैंने, फॉस्फेट आयन का। तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं सल्फेट आयन का, सल्फेट आयन। ये स्ट्रक्चर बनाएंगे लुईस स्ट्रक्चर, ये भी हाइपरवेलेंट है, ऑक्टेट थ्योरी की लिमिटेशन हुआ ये। इसको भी कैसे बनाएंगे, अब डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड यहाँ पे हैं, अब दो डबल बॉन्ड यहाँ पे कर सकते हैं, दो डबल बॉन्ड यहाँ कर सकते हैं, दो डबल बॉन्ड यहाँ कर सकते हैं, तो चार स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके भी। दो डबल बॉन्ड यहाँ पे हैं, फिर यहाँ पे दो डबल बॉन्ड, फिर यहाँ दो डबल बॉन्ड, फिर यहाँ दो डबल बॉन्ड, इस तरीके से एस ओ पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ये आ गया एस ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से। और ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड, एस ओ टू नेगेटिव, ये दिखा दिए। एस ओ फो टू है सल्फेट आयन, फॉर्मल चार्ज कितना होगा, माइनस टू बाय फोर, ये ना दो नेगेटिव और चार्ज का शेयर होगा, फॉर्मल चार्ज तो कितना आ गया, माइनस टू बाई फोर, माइनस टू। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, अब कोई भी डबल बॉन्ड ले लेंगे, अब ये दो दो बॉन्ड है डबल, सिंगल बॉन्ड तो सब में है ही, सिंगल बॉन्ड सब में है, तो एक लगा दिया। ये दो जो डबल बॉन्ड है वो कितनी जगह शेयर होंगे, चार जगह, दो डबल बॉन्ड चार जगह शेयर होंगे, वन प्लस टू बाई फोर, वन प्लस हाफ यानी वन पॉइंट फाइव। नहीं तो कोई बॉन्ड देखना तो बॉन्ड देख सकते हैं, मान लो इस बॉन्ड को देखा मैंने, दूसरा तरीका, यहाँ देखा बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, फिर यहाँ डबल है, तो दो और एक तीन और एक चार और एक चार और दो छः, छः आ गया, सिक्स बाय स्ट्रक्चर कितने हैं, एक दो तीन चार, सिक्स बाय फोर, थ्री बाय टू यानी वन पॉइंट फाइव आ गया ना बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर वन पॉइंट फाइव इधर भी आ गया, वन पॉइंट फाइव इधर भी आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मल चार्ज नेक्स्ट नोट करेंगे। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बस अभी समझने में दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि थोड़ा सा ऑर्गेनिक नहीं की है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको समझने में, अभी बाद में क्लियर हो जाएगा अपने आप के। स्ट्रक्चर जरूर बनाना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट अब अगर जैसे हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ से नाइट्राइट आयन, एन ओ टू नेगेटिव, एन ओ टू नेगेटिव, तो माइनस एक नेगेटिव है ऑक्सीजन और एक डबल बॉन्ड वाला एन, मान लिया मैंने एक है नेगेटिव और एक दिखा दिया मैंने, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः दिखा दिए, इसमें कितने आएंगे सात, इसमें सात, दो दो चार दो छः और एक सात, तो इसके पास कितने होते हैं पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तो ये इसने लिया ऑक्टेट कंप्लीट किया, ये इसने लिया ऑक्टेट कंप्लीट किया, और एक पेयर रह जाएगा, ये आ गया, इससे भी ये लेगा, एक इससे लेगा, दो इससे लेगा, और ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये आ गया नाइट्राइड आयन एन ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, और एक अनशेयर पेयर है, ये क्या है अनशेयर पेयर, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं अनशेयर पेयर को, समझाए, ये लुईस स्ट्रक्चर है और ये कूपर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखेंगे एन ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, ये दिखा दिया, अब डबल बॉन्ड ओ इधर है वो इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, एन डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ये आ गया, और ये बन गया इसका रेजोनेंस, दो स्ट्रक्चर बनेंगे इसको, ये हाइब्रिड, ये हाइब्रिड आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, एक बॉन्ड तो है ही दोनों में, एक बॉन्ड दोनों में है ही, और एक पाई, एक जो बॉन्ड है ये दोनों जगह शेयर होगा, वन प्लस हाफ, ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वन पॉइंट फाइव, और फॉर्मल चार्ज एक नेगेटिव दोनों का शेयर होगा माइनस हाफ, देखिए इसको माइनस वन बाई टू, माइनस हाफ इज इक्वल टू फॉर्मल चार्ज, माइनस हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टर्म इन्हीं के अंदर, अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं वैसे तो इसके अंदर, जैसे एक CO2 NCERT में दे रखा है, अगर समझ आता है तो ये भी करेंगे, पर
CO2, ये स्ट्रक्चर है इसका CO2, ये है स्ट्रक्चर इसका। कैसे बना स्ट्रक्चर? कार्बन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इधर ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये भी इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये बन गया। दो इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ तो इसलिए डबल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ तो डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है? अब यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं, डबल बॉन्ड लेंथ है मेजर की आनी चाहिए, जैसे इसमें डबल बॉन्ड की लेंथ होती है, सी ओ डबल बॉन्ड की लेंथ होती है 121 पिकोमीटर के आसपास की लेंथ है, और मेजर करते हैं डबल बॉन्ड को तो ये आती है 115 पिकोमीटर के आसपास, 115 पिकोमीटर के आसपास आती है। और इसकी अगर ट्रिपल बॉन्ड चेक करें, ट्रिपल बॉन्ड लेंथ होती है 110 पिकोमीटर, यानी ना तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाली लेंथ आई, ये आई है, ना तो ट्रिपल बॉन्ड वाली लेंथ आई ना ही डबल बॉन्ड वाली लेंथ आई, आई कौन सी? इन दोनों के बीच वाली, यानी कुछ ना कुछ यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आया थोड़ा सा रेजोनेंस की वजह से, सेम वही रेजोनेंस होती है इसके अंदर, थोड़ा तरीका शो करने का ये है, ध्यान देंगे दो पेयर है ना, दो अनशेयर पेयर, ये जो शेयर नहीं हुआ, दो इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन ये शेयर नहीं हुए, ये अनशेयर पेयर है, ऐसे इधर भी अनशेयर पेयर है, तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन्स इधर गए होंगे, ये वाले लोन पेयर, लोन पेयर जो है ना अनशेयर पेयर, ये इधर गए होंगे, ये इधर गया होगा, ये इधर गया होगा, ये इधर गया होगा, तो इससे क्या होगा, हैंडल बॉन्ड आ गया, एक और बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड आ गया और इधर प्लस चार्ज आ गया, और जब ये इधर जाएगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा, ये माइनस आ गया, आ गया ना डबल ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, उल्टा भी हो सकता था यहाँ पे, ये उल्टा भी हो सकता था कि नहीं, ये इधर जाता है यहाँ, इसके बाद भी तो शेयर्ड पेयर है ये वाले, ये इधर जा सकते थे, ये इधर जाते, एरो की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, ये इधर जाते तो ये इधर जाते, तो ऐसा भी हो सकता था स्ट्रक्चर, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस ओ माइनस, तो इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ जो आती है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड लेंथ के बीच में आती है, ना तो ये आती है 121 पिकोमीटर जो कि डबल बॉन्ड की लेंथ है, ना ही आती है 110 पिकोमीटर जो कि सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ है, ये आती है दोनों के बीच में, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा इसका, सी डबल बॉन्ड ओ और ये रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरीके से, तो ये कर सकते हैं तो कर लेंगे अभी, नहीं तो आगे जाके समझ आएगा ढंग से, अभी मुश्किल है थोड़ा सा समझ आना, तो ये दोनों के बीच में आएगा, बिकॉज कुछ भी नहीं पता तो पेपर में ये जरूर लिख के आना, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट नोट करेंगे, टर्म पोलराइजेशन, फिर फॉर्मल चार्ज करेंगे, पोलराइजेशन फजान्स रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इन, आयनिक कंपाउंड्स, क्लियर, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ध्यान देंगे सर, जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड बना, सपोज मैंने लिया कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने NaCl ही ले लिया अगर, या एक कंपाउंड लेते हैं A प्लस B माइनस कंपाउंड लिया, Na+Cl- भी कह सकते हैं, तो इसमें क्या है, ये कैटायन है यहाँ पे, ये कैटायन और ये एनायन, इसके न्यूक्लियस भी होगा, मैं शो कर रहा हूँ जानूसी नेगेटिव, न्यूक्लियस इसके पास भी होगा, ये कैटायन ये एनायन, तो क्या होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया कि नहीं, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, सही ना, कंपाउंड कभी भी 100% आयनिक नहीं हो सकता, क्यों, कहने का पॉइंट में 100% आयनिक कभी हो ही नहीं सकता, जैसे मान लो मैं CsB ले लूँ सबसे अच्छा मेटल और F ले लूँ, तो भी ये नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ये खींच लेगा इसके, कुछ तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, समझे कि नहीं, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये Na+Cl- है, तो Cl- का साइज तो बहुत बड़ा होगा, Cl- बड़ा, Na+ छोटा, जितना ये छोटा होगा, अब क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कौन सा करेक्टर लेके आ रहा है, जब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे, Na+ है जैसे मान लो Cl-, इसने इलेक्ट्रॉन दिया था ना अपना, दे दिया, अब ये वापस विड्रॉ कर रहा है इससे, अपनी तरफ खींच रहा है, जब दे देगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, अब तो ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है दोबारा प्लस की वजह से, तो इसके अंदर कौन सा करेक्टर लेके आ रहा है, आयनिक कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है, कौन सा करेक्टर लेके आ रहा है, कोवेलेंट करेक्टर, Na ने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था ना Cl को, अब देने के बाद जब इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पॉजिटिव की वजह से इस इलेक्ट्रॉन वापस खींच रहा है, यानी एक तरह से अपनी तरफ ले रहा है ना, तो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर
अगर ट्रांसफरेंस प्रॉपर हो जाता तो आयनिक बॉन्ड बन गया, अब ये अपनी तरफ खींचने लग गया, तो इसमें क्या कौन सा करेक्टर लेके आ रहा है, कोवलेंट करेक्टर लेके आ रहा है, और ये करेक्टर कब जा रहा होता है वो नोट करेंगे फैजानस रूल के अकॉर्डिंग। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर, टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन, ये पोलराइजिंग पावर होती है। समझिएगा कि नहीं, ए प्लस बी माइनस है, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को दिया हुआ था, बी को दिया हुआ था, अब इस पे आ गया प्लस चार्ज, प्लस चार्ज आने की वजह से, और इस पे नेगेटिव, प्लस चार्ज आने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ये खींचेगा, क्लियर, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि अभी साइज बढ़ गया ना इसका, ये एन ए प्लस का न्यूक्लियस है, ये एन ए प्लस होगा इस तरीके से, और ये सी एल माइनस, ये बड़ा हो जाएगा बहुत न्यूक्लियस, और इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, दूर हो गए तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इसका न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरह से खींचेगा तो क्या होगा, ये डिस्टॉर्ट हो गया, यानी इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया था एक तरह से वो इलेक्ट्रॉन को वापस ले रहा है अपनी तरफ, तो यानी शेयरिंग होगी, अब इसका मतलब आयनिक करेक्टर को कम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है इसे बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या है, टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन, पोलराइजिंग पावर। टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर, और ये कब ज्यादा होगी, स्मॉलर द कैटायन, स्मॉलर द कैटायन, लार्जर द एनायन, स्मॉलर द कैटायन, लार्जर द एनायन, मोर इज द पोलराइजिंग पावर, मोर इज द पोलराइजिंग पावर, पी डॉट पी पोलराइजिंग पावर, मोर इज द कौन सा करेक्टर आ जाएगा, मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर, मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर, यही फजान्स रूल है जो मैंने नीचे लिखा है, फजान्स रूल, स्मॉलर द कैटायन, लार्जर द एनायन, मोर इज द पोलराइजिंग पावर एंड मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर, और पोलराइजिंग पावर क्या होती है, टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन, कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक कभी नहीं हो सकता, है ना, कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता, इवन 100% कोवलेंट के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ डाइपोल जो डिस्पर्जन फोर्सेज हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से 100% कोवलेंट भी होता है, इवन हम बोलते हैं कि H2 ये 100% कोवलेंट है, क्योंकि इसमें प्रॉपर शेयरिंग होगी दोनों लाइक एटम्स हैं, लेकिन इसमें भी दूसरा H2 मॉलिक्यूल आता है तो उसके कुछ इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, डिस्टॉर्ट करता है, तो इसलिए इसमें भी 100% कोवलेंट करेक्टर नहीं होता, आइडियली हम मानते हैं कि 100% कोवलेंट हो सकता है बट 100% आयनिक नहीं हो सकता। तो ये मैंने यहाँ बता दिया पोलराइजिंग पावर क्या होती है, वो समझा दिया है, पोलराइजिंग पावर के जो है पोलराइजिंग पावर और ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर किसकी होती है कैटायन की, और पोलराइजिबिलिटी यानी टेंडेंसी टू गेट पोलराइज, टेंडेंसी टू गेट पोलराइज वो किसकी होगी, एनायन की, पोलराइजिंग पावर, और या इसको हम आयनिक पोटेंशियल भी कहते हैं, और आयनिक पोटेंशियल, पोलराइजिंग पावर और आयनिक पोटेंशियल, फाइव से डिनोट भी करते हैं इसको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कैटायन के, चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जैसे Mg2+ है, Na+ है, कौन Cl- के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, Mg2+, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट ज्यादा करेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन के ऊपर उतना ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, क्लियर, और स्मॉलर द साइज मोर इज द पोलराइजिंग पावर, और साइज के इनवर्सली, जितना छोटा साइज होगा डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कैटायन, यानी कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली पोलराइजिंग पावर और आयनिक पोटेंशियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, और पोलराइजिबिलिटी जो है एनायन की होती है, टेंडेंसी टू गेट पोलराइज, पोलराइजिबिलिटी वो चार्ज के तो प्रोपोर्शन डायरेक्टली, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना बड़ा एनायन होगा, तो चार्ज तो ये भी ज्यादा, चार्ज ऑन एनायन, और पोलराइजिबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी साइज ऑफ एनायन के भी, चार्ज ज्यादा होगा तो साइज नेचुरल सी बात है ज्यादा होगा, और कैटायन पे जब चार्ज ज्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है साइज क्या होगा, कम होगा, इसलिए तो पोलराइजिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज ऑन एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ एनायन,
तो स्मॉलर द कटायन लार्जर देन आयन, इसे बोलते हैं ना चार्ज दोनों पे ज़्यादा होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, और पोलराइजिबिलिटी क्या होती है एनायन की, पोलराइजिबिलिटी होती है एनायन की और पोलराइजिंग पावर होती है कटायन की। तो ये बात समझ आनी चाहिए, एनए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया था लेकिन वो वापस खींच रहा है, मीन्स कौन सा करेक्टर लेके आ रहा है कोवलेंट करेक्टर, तो आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर, इसी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर और आयनिक पोटेंशियल। तो पोलराइजिंग पावर निकालने के लिए मैंने हिंट तो दे दिया यहाँ पे, पोलराइजिंग पावर के लिए चार्ज ज़्यादा होना चाहिए है ना, पोलराइजिंग पावर के लिए चार्ज क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा इसके लिए मान लीजिए साइज जो है सेम है, इफ़ साइज इज अप्रॉक्सीमेटली सेम, अगर सेम साइज आ रहा है देन जो नॉबल गैस कंसंट्रेशन वाला कटायन होगा, नॉबल गैस कंसंट्रेशन वाला कटायन होगा जैसे एन ए प्लस के प्लस इस टाइप की कटायन, इसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी, इसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी देन एन ए प्लस के प्लस की, देन जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिसमें एस एन टू प्लस या पी बी टू प्लस इस टाइप की कटायन आ रहे हैं इनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और इनसे भी ज़्यादा किसकी होगी जैसे जेड एन टू प्लस सी डी टू प्लस एच जी टू प्लस, क्योंकि इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये कौन सी कंसंट्रेशन होगी स्यूडो नॉबल गैस, और ये कौन सा सिस्टम है 18 प्लस टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 18 प्लस टू समझ रहे कि नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं इसके और टू कहाँ पे आ रहे हैं, कंसंट्रेशन याद है ना इसकी, ये आएगा हीलियम 2H2P1 नियॉन आर्गन कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 10 आर्गन क्रिप्टन 5S2 4D10 5P2 ये आ रहे हैं ना। तो ये एस के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, पहले कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एस एन टू प्लस बनाएंगे तो एस के इलेक्ट्रॉन गायब, एस के इलेक्ट्रॉन गायब, अब ये एन पी टू है, ये एन की वैल्यू है, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ है लास्ट शेल में है, और ये एन माइनस वन डी में इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहाँ पे एन माइनस वन डी में। तो ये वाले सिस्टम अगर आते हैं जिसमें स्यूडो नोबल गैस कंफिग्रेशन है, स्यूडो नोबल गैस कंफिग्रेशन, तो उनकी स्यूडो नोबल गैस कंफिग्रेशन अगर आ जाती है 18 इलेक्ट्रॉन वाली, जैसे इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, 2818 न्यू स्यूडो नोबल गैस कंफिग्रेशन है, तो उस केस में क्या होगा पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, और ये वाले पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स आते हैं तो इसमें पोलराइजिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, और ये तो नोबल गैस कंफिग्रेशन है, नोबल गैस कंफिग्रेशन है, इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएंगे, साइज भी इनका बड़ा होता है इनका, तो इसलिए इनकी कम होती है पोलराइजिंग पावर। नेक्स्ट नोट करेंगे एग्जाम्पल से, यही है बस इसके अंदर। एग्जाम्पल जैसे इसकी लिया LIF, LICL, LIBR, LII, इसको पोलराइजिंग पावर और कोवलेंट करेक्टर में अरेंज करना है, पोलराइजिंग पावर और कोवलेंट करेक्टर, तो पोलराइजिंग पावर कोवलेंट करेक्टर में करना है, कटायन सेम है LI, 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 कटायन सेम है तो एनायन बड़ा होना चाहिए पोलराइजिंग पावर के लिए, एनायन बड़ा सबसे कौन सा है आई माइनस फिर बी आर माइनस फिर सी एल माइनस फिर एफ माइनस, यही आंसर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। नेक्स्ट ट्राई करना है जैसे दिया NaCl, MgCl2, AlCl3, इनको अरेंज करना पोलराइजिंग पावर में। नेक्स्ट दिया जैसे NaCl, Na2SO4, Na3PO4, इसको अरेंज करना पोलराइजिंग पावर में। तो ये ट्राई करने ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, तो इसको पहले NaCl, MgCl2, AlCl3, इसको अरेंज करना अगर पोलराइजिंग पावर में तो क्या आएगा, इसमें कैटायन Na प्लस है, इधर Mg2 प्लस है, इधर AlCl3 है, Al प्लस 3 है, तो यहाँ पे एनायन तो सेम है सबसे, 10 Na प्लस है इसके अंदर, इधर Mg2 प्लस है, इधर Al3 प्लस है, तो सबसे छोटा कटायन कौन सा Al प्लस 3, उसके बाद Mg2 प्लस, फिर Na प्लस, तो सबसे छोटा कटायन ये है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी सबसे ज़्यादा, या इसका कोवलेंट करेक्टर क्या होगा सबसे ज़्यादा, पोलराइजिंग पावर या कोवलेंट करेक्टर का सबसे ज़्यादा होगा NaCl, MgCl2, AlCl3। और इसमें आप इसमें देखेंगे Na कॉमन कटायन तो कॉमन है, Na+, 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 तो आप देखेंगे एनायन इसमें PO43 नेगेटिव, इधर SO42 नेगेटिव, इधर Cl नेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इस पे एटम भी इसके अंदर ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मतलब सबसे बड़ा साइज, सबसे बड़ा साइज तो पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, इस तरह से निकल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया जैसे
CaCl2, SnCl2, ZnCl2, इसको अरेंज करना फुल रेजिंग पावर में। इसको कैसे करेंगे अरेंज फुल रेजिंग पावर में? अगर इसको अरेंज करना है तो इसमें जेड एन सी एल टू है, एस एन सी एल टू है, एस सी ए सी एल टू है। जेड एन सी एल टू तो जेड एन टू प्लस हो गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम आ गया, अभी बताया था पीछे। एस एन सी एल टू, एस एन सी एल टू में एस एन प्लस टू, एस एन प्लस टू है, ये तो 18 प्लस टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा, अभी बताया पीछे। 18 प्लस टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 18 कहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन? एन माइनस वन डी में, एन माइनस वन में, एन माइनस वन में, एन माइनस वन जो शेल होगा सेकेंड लास्ट शेल, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस दो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन्स है, डी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होंगे? डी के इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट शील्ड नहीं कर पाते, बता रखा ना ये, डी के इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो शील्ड नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो शील्ड नहीं कर पाएंगे ना, होल्स होंगे इसके अंदर, तो इस जगह ज़्यादा होगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसके इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से अट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा। ये कोवलेंट करैक्टर का आंसर है। किसका है? कोवलेंट करैक्टर का। उल्टा भी पूछ सकते हैं आयनिक करैक्टर का ऑर्डर, तो आयनिक करैक्टर का भी आंसर निकालना आना चाहिए। क्लियर? ये है कुछ भी नहीं इसके अंदर, अगर पोलराइजिंग पावर से नहीं समझ आ रहा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसमें, जैसे दे दिया मैंने CaCl, NaCl और CuCl, इसको बोला अरेंज करना है पोलराइजिंग पावर में, तो कुछ है थोड़ी इसके अंदर। अब CS सबसे अच्छा आइटम है, अगर सिंपल भी सोचे, कोई फजांस रूल ना लगाएं, CsCcm क्या है? सबसे अच्छा मेटल है, सबसे अच्छा मेटल है, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, सबसे ज़्यादा इसका कौन सा करेक्टर होगा? आयनिक, तो कोवलेंट करेक्टर क्या होगा? सबसे कम। सोडियम भी अच्छा मेटल है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा? सीजियम होगा। नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, सबसे अच्छा मेटल कौन सा है? सीजियम। सीजियम सबसे अच्छा मेटल है, इसलिए इसका आयनिक करेक्टर क्या होगा? सबसे ज़्यादा। सेकंड पे किसका हुआ? NaCl का। और लीस्ट किसका हुआ? कॉपर तो देगा नहीं इलेक्ट्रॉन्स अपने, ट्रांजिशन मेटल है, मेटल नॉन मेटल के बीच में प्रॉपर्टीज है इसकी। और भी मैंने बताया भी Cu प्लस यानी 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? किसी भी एनायन से इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेंगे अपनी तरफ, क्योंकि डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इसलिए अगर मेरे को आयनिक करेक्टर में करना है तो सबसे ज़्यादा CaCl होगा आयनिक, फिर NaCl, फिर CuCl। ध्यान रखना मैंने इधर आयनिक करेक्टर बताया है, आयनिक करेक्टर, नॉट कोवलेंट करेक्टर। कोवलेंट करेक्टर होता तो उल्टा आ जाएगा, सही ना? कोवलेंट करेक्टर होगा तो उल्टा आ जाएगा। वो है कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो मैंने बताया ना, डेल्टा En ग्रेटर देन 1.7 है तो आयनिक, उससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज़्यादा आयनिक, वैसे Al2O3, AlCl3, इन दोनों में Al तो कॉमन है, अब O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो यही आयनिक होगा। O की ज़्यादा इलेक्ट्रोनिटी होती है ना 3.5, और Cl की 3 थी, तो यही आयनिक होगा अगर आयनिक करेक्टर बोला तो। और कोवलेंट करेक्टर बोला तो उल्टा हो जाएगा आंसर, कोवलेंट का उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं इसके, बाकी बहुत डिटेल में ये तो इतना जितना बताया तो एग्जांपल भी ढंग से करेंगे तो इससे भी सीख लेंगे। सही ना? ये सब पोलराइजिंग पावर यानी कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट करैक्टर इन आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे एक रहेगा कोऑर्डिनेट और रिलेटिव बॉन्ड। एक थोड़े से एग्जांपल, एक दो एग्जांपल इसकी देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट और रिलेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और रिलेटिव बॉन्ड क्या होता है? क्लियर? कोऑर्डिनेट और रिलेटिव बॉन्ड, इसमें क्या ध्यान देना जरा इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ उसके अंदर से, एग्जांपल लिया मैंने अमोनिया माइन कर लेते हैं, जैसे अमोनिया है NH3, NH3 कैसे बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5 और हाइड्रोजन एक, ये लुईस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, लुईस स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तीनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ये भी तीनों से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये पेयर इसके पास अनशेड पेयर है, दिस पेयर इज अनशेड पेयर, तो ये बन गया NH3, ये बन गया N, ये बॉन्ड, ये कूपर स्ट्रक्चर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कूपर। ये कौन सा? लुईस, ये लुईस जो क्रॉस और डॉट से शो करते हैं, और जो बॉन्ड से, डैश से, लाइन से शो करेंगे वो क्या होता है? कूपर स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, इसके पास एक लोन पेयर बच गया है, अनशेड पेयर बच गया है वाला। अब H प्लस आया मान लो इसके पास, अगर H प्लस आया इसके पास तो ये H प्लस को ये अपना लोन पेयर दे देता है,
इलेक्ट्रॉन पे भेजता है, और ये ऐसा नहीं कि इसने कंप्लीटली दे दिया है, दिया एक ने शेयर दोनों से हो रहा है, ध्यान सुनना, दिया एक ने शेयर दोनों से हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ये बन गया NH4+ आयन, ये क्या बन गया NH4+ आयन, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड है। अब डेफिनेशन इसकी, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर, व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय वन ऑफ द एटम्स बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज फॉर्मड व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय वन ऑफ द एटम्स बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन शेयर दोनों से हो रहे हैं। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अगर मैं H2O की बात करूँ, H2O में ऐसे बन जाएगा, ये डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, वो खुद ट्राई कर लेंगे लुईस स्ट्रक्चर, और ये शेयर, ये क्या है इसका अनशेयर्ड पेयर, H+ को ये इसने लोन पर दे दिया, ये बन गया क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, और ये बन गया H3O+, ये नेक्स्ट एग्जांपल है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड की, नेक्स्ट एग्जांपल थी, ये अपना लोन पर इसने दे दिया इसको H+ को, तो ये कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड बन गया, क्लियर, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। और एग्जांपल्स इसकी, जहां से अगर हम या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से शो करते हैं, ऐसे दिखा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर प्लस और माइनस लिख के बीच में बॉन्ड दिखा दो, जहां पे इलेक्ट्रॉन गए वहां माइनस, जिसके पास से गए वहां प्लस, ऐसे भी दिखा सकते हैं और बीच में बॉन्ड दिखा देंगे, तो ये भी एक तरीका है शो करने का कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड को। नेक्स्ट एग्जांपल लिया जैसे, हाँ ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे NH3 लिया, NH3 का स्ट्रक्चर मैंने बताया अभी, NH3, और लिया मैंने कंपाउंड BF3, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, F 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दूसरा F 7 इलेक्ट्रॉन, तीसरा F 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट, ये ऑक्टेट कंप्लीट, ये ऑक्टेट कंप्लीट, अब ये भी तीनों से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तीनों से एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं, क्योंकि BF3 एक कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गिरे, 4, 5, 6, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, दैट मीन्स BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, BF3 क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसके पास एक पेयर एक्स्ट्रा है, इसके पास क्या है अनशेयर्ड पेयर, इसके पास क्या है अनशेयर्ड पेयर, और ये BF3, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो एन अपना लोन पेयर इस बी को दे देगा, एन अपना लोन पेयर इसको बी को दे रहा है, तो ये बन गया कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड दोनों के पेयर, इसको एडक्ट फॉर्मेशन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं एडक्ट फॉर्मेशन, तो एन ने अपना लोन पेयर बी को दे दिया, या इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ एन प्लस, या तो एरो से शो कर दें, या मैंने क्या बताया अभी एन प्लस BF3 नेगेटिव, और ये बॉन्ड सिंपल, तो इसमें जो लोन पेयर देता है उसको हम बोलते हैं लुईस बेस, क्या बोलते हैं इसे लुईस बेस, अगर याद रखते तो याद कर लेना, आगे जाके डिटेल में आना, ये भी लुईस बेस, और ये होता है एसिड, ये लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है, और जो लोन पेयर देता है वो लुईस बेस होता है, जो लोन पेयर देगा वो क्या है लुईस बेस, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा लुईस एसिड, ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को एसिड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर को बेस बोलते हैं, तो ये एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे लुईस एसिड लुईस बेस का वाया कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, और तरीका बता दिया कैसे शो कर सकते हैं इसको, एरो से भी शो कर सकते हैं और प्लस माइनस साइन लगा के बीच में बॉन्ड बना सकते हैं। और एग्जांपल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, जैसे वो बेस्ट एग्जांपल है, चलो उसको भी लेते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड की एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लिया इसके अंदर, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड, ध्यान देंगे नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट आयन भी ले सकते थे, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट आयन, तो इसमें सेंट्रल एटम तो N ही मानेंगे, सबसे बड़ा यही है, और N सही ना, अब N के साथ
जो एच है ये हमेशा ध्यान रखना कॉर्नर पे आएगा, क्योंकि एच है, एफ है लिव स्ट्रक्चर में, सी एल है जिनकी एक वैलेंसी होती है ज़्यादातर ये कॉर्नर पे आते हैं, सी एल भी नहीं, एच और एफ हमेशा कॉर्नर पे आएंगे क्योंकि इनकी वैलेंसी वन होती है, एक ही बॉन्ड बनाते हैं। तो एन और एच और ओ दिख रहे हैं ना कभी भी, एच और ओ दिख रहे हैं कभी, यानी ओ एच ग्रुप जरूर आएगा। तो इसमें दिखा दिया मैंने एन ओ थ्री नेगेटिव आयन भी दिखा सकता हूँ मैं, एन ओ थ्री नेगेटिव आयन, लेकिन मैंने दिखा दिया ये एन, चलो एन ओ थ्री नेगेटिव ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एन ओ थ्री नेगेटिव, मैं एच एन ओ थ्री बता दूंगा साथ साथ ही। तो ये ओ दिखा दिया मैंने, ये ओ नेगेटिव दिखा दिया और ये तीसरा ओ दिखा दिया। तो ये तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा शेयर करके, नाइट्रेट आयन था ये, क्या है नाइट्रेट आयन। तो ये एक दो तीन चार पाँच छः, इसके बाद एक दो तीन चार पाँच, तो ये इसने ले लिया ऑक्टेट कंप्लीट, ये सात इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसका ऑक्टेट ये इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस ये भी तीनों से ले, इनसे ले लेगा, एक इससे लेगा और दो ऊपर से लेगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये तो बन गया है नाइट्राइड आयन, ये नाइट्राइड बन गया ना, एन डबल बॉन्ड ओ और ये ओ माइनस बन गया नाइट्राइड। अब इसका एक पेयर रह गया और ओ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास छः इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा ये अपना पेयर इसको दे देगा, शेयर दोनों से हो रहे हैं दे एक रहा है, शेयर दोनों से हो रहे हैं लेकिन दे एक रहा है, तो ये होता नाइट्रेट आयन, एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव और ये दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझ में नहीं है, तो ये नाइट्रेट आयन, उसमें भी रेजोनेंस होगी, डबल बॉन्ड एक बार इधर है, एक बार इधर आ जाएगा, एक बार इधर आ जाएगा, और ये पोजिशन चेंज करते रहेंगे अपने। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रेट आयन है, और नाइट्रिक एसिड दिखाना है तो ओ माइनस के साथ एक एच दिखा देते हैं, नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री लिखा था मैंने, एच एन ओ थ्री दिखाना है तो यहाँ पे बस ओ माइनस के साथ ऐसे दिखा देंगे ये चीज़ ऐसे एन ओ एच, ठीक है ना, और यहाँ कोऑर्डिनेट और यहाँ डबल, ये एच एन ओ थ्री आ जाता, ये क्या जाता है एच एन ओ थ्री। तो ये था कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, इसकी एक और एग्जाम्पल, जब डबल बॉन्ड पहले से है, डबल बॉन्ड पहले से है तो कैसे, सी जैसे सी ओ, सी ओ सी के पास चार इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास छः इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ही, अब ये तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा अपना, ये ही लेगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहा ना, इसका पे अनशेयर पेयर भी है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन छः इलेक्ट्रॉन रहे इसके पास, तो ये बना ऐसे इस तरह सी डबल बॉन्ड ओ और एक अनशेयर पेयर, ये है ना। तो अब इसमें क्या है, ये अब अपना लोड पर देगा इसको, इसके पास तो है ना दो, ये पेयर इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये पेयर इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो इसको मैं शो कर सकता हूँ इस तरीके से, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये पेयर जब देगा इसको तो दिया एक ने, लेकिन शेयर दोनों से हो रहे हैं, इसका तो एक पेयर बचा हुआ अभी, दिया एक ने शेयर दोनों से हो रहे हैं, अब होगा ना इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से इसकी तरह, कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो थ्री बोलना, इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना इसका थ्री, ठीक, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा थ्री, दिया एक ने लेकिन शेयर दोनों से हो रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ये तरीका शो करने का, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस और एक पे माइनस आ जाएगा, ये नॉन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही है, इसको इसको और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ज़्यादा डिफरेंस मानते नहीं है, लेकिन डिफरेंस है इसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, कोऑर्डिनेट और रिलेटिव बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग तो ही रही ना, बस एटम इसमें एक ही दे रहा है इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होता है दोनों बराबर देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, इसमें एक ही एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन शेयर दोनों से हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नेक्स्ट अभी करेंगे यहाँ पे फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका, फॉर्मल चार्ज एक्चुअल में चार्ज जो है पूरी मॉलिक्यूल पे होता है, अगर हमें इंडिविजुअल आयन पे चार्ज निकालना है तो हम इसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, चार्ज प्रेजेंट ऑन, चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल आयन और एटम, ये है फॉर्मल चार्ज, ये क्लियर फॉर्मल चार्ज है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने ओजोन का, ओजोन ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, कैसे बना समझ आ गया ना, ओ डबल बॉन्ड ओ तो बन ही गया, अब एक ओ आ गया, तो इस ओ को ये वाला ओ या ये वाला ओ कोई भी एक लोन पेयर दे सकता है, इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ये ऐसे बन गया या ऐसे भी बन सकता है, ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, तो ये बन गया। अब इसमें बोला कि फॉर्मल चार्ज निकालना है, ये सेम, अब इसमें अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर बोलूँ तो कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5, दो बॉन्ड इधर थे
दो बॉन्ड इधर आ गए, तो ये एक बॉन्ड तो है ही दोनों में, एक बॉन्ड दोनों में है ही, और एक पाई बॉन्ड दोनों जगह, एक जो दूसरा बॉन्ड है दोनों का इक्वली शेयर हो रहा है, बॉन्ड कितना आएगा 1.5, जैसे बेंजीन में आता है, बेंजीन में भी 1.5 आता है, बेंजीन गिरा। ये ऐसे भी बन सकता है कि नहीं, रेजोनेंस होगी तो ये इस तरह से बना दो, ये बना दिया ये जो, और फिर दोनों को मिलाते हैं तो ये रिंग बन जाती है अंदर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ देखा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ देखा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यानी दो बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, यानी डेढ़ डेढ़ 1.5 इधर है 1.5 इधर है, बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5। बेंजीन के सीसी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5, और बाकी ऐसे लगे हुए सारे, तो ये सेम उसी की तरह है। अब मैंने बोला कि फॉर्मल चार्ज निकालना हर एक ऑक्सीजन एटम पे इस ओजोन के अंदर, ओजोन में हर एक एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना मैंने सिखाया था पीछे कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है इस केस में, हालांकि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट बता दूंगा लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के साथ माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला है। अब जैसे मेरे को फॉर्मल चार्ज निकालना है इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन वन पे, ऑक्सीजन वन पे निकालना फॉर्मल चार्ज, तो ऑक्सीजन वन पे फॉर्मल चार्ज निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं। अब हाफ माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड बने हुए हैं, दो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ इंटू 4, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4, जितने बॉन्ड अगर दो बॉन्ड हैं तो 4 लिख देना, तीन बॉन्ड है तो 6 लिख देना, इस तरीके से जितने उस आइटम के साथ बॉन्ड अटैच्ड है, दो बॉन्ड थे तो 4 लिख दिया, और माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितना बचा इसमें, ये बचे ना जो शेयर नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, माइनस 4, तो कितना आ गया फॉर्मल चार्ज 6, ये 2 0 आ गया ना फॉर्मल चार्ज, तो इस ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज 0। अब इस पर निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 2, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 2, और यही चेंज होगा ऑन ऑक्सीजन एटम 2, ध्यान देंगे। अब इस पर निकालना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस तो 6 ही रहेंगे, इसके इसमें निकालना है, दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस वन इज 3, 6 माइनस हाफ इंटू कितने बॉन्ड बने हुए इसके साथ, 2 एरे और 1 एरा 3 है, तो हाफ इंटू 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक पेयर तो इसने इसको दे दिया, एक पेयर दे दिया, एक पेयर बचा है इसके पास, तो माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 1, फॉर्मूला कितना आ गया 1, तो इस पर 1 आ गया। अब लास्ट वाले ऑप्शन एटम ओ 3 पे निकालना है, 3 पे निकालना है, तो ये देख लेते हैं एक बार, और यही चेंज होगा 3 पे, 3 एटम पे निकालना है इस पर, ये 3 है सपोज, तो इस पर कितना आएगा 6 तो है ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, बैलेंस में 6 तो रहेंगे ही रहेंगे, अब इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं, सिर्फ एक, एक बॉन्ड मतलब हाफ इंटू 2, माइनस अनशेयर इलेक्ट्रॉन कितने, इसने तो कोई इलेक्ट्रॉन अपना शेयर ही नहीं किया, 6 के 6 बचे हुए हैं इसके पास, माइनस 6 कितना आ जाएगा माइनस 1, समझ आया कि नहीं है। तो ये फॉर्मल चार्ज इस तरह से निकालना है, लाइक दिस वी कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम, फॉर्मल चार्ज इस तरह से निकालना है किसी भी एटम के ऊपर, और इसको मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, अभी डायरेक्ट बताने का तरीका बहुत सिंपल, जैसे अगर मैं ये ले दूँ अपने आप समझ आ जाएगा इससे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा दिया तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ माइनस, और यही तो है चार्ज, फॉर्मल चार्ज, इस पे 0 कोई चार्ज दिख नहीं रहा, इस पे प्लस 1, इस पे माइनस 1, इस पे प्लस 1, इस पे माइनस, जैसे अगर मैं ये नाइट्रिक एसिड लिख दूँ, नाइट्रिक एसिड इसमें बोला फॉर्मल चार्ज निकालना, तो इस पे 0 आएगा कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा, इस पे 0 आएगा कोई चार्ज नहीं दिख रहा, इस पे 0 आएगा कोई चार्ज नहीं दिख रहा, इस एन पे कितना आएगा, इसको हटाएं अगर, इसको हटा दे तो ये प्लस ये माइनस, इस नाइट्रोजन पे आएगा प्लस 1 और ऑक्सीजन पे आएगा माइनस 1, नाइट्रोजन पे प्लस 1 ऑक्सीजन पे माइनस 1, ये आ जाएगा फॉर्मल चार्ज। तो इस तरह से निकालना फॉर्मल चार्ज, किसी भी कंपाउंड में हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये फॉर्मल चार्ज था, नेक्स्ट नोट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, सही ना, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट थ्योरी में क्या आएगा, पहली लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेड लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी में पहले कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जैसे BF3, AlCl3, BeCl2, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ,
इसमें बेरियम का कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग, तो इसलिए ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं हुआ। तो ये इन्हें बोलते हैं हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स, हाइपोवेलेंट जिसमें ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं हुआ। ये पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोवेलेंट, तो ये हाइपोवेलेंट है जिसमें ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं हुआ सेंटर एटम का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हाइपरवेलेंट कंपाउंड जैसे SF6, IF7, PF5, सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स, फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हाइपरवेलेंट है। ये क्या है, हाइपरवेलेंट, क्योंकि सल्फर के पास क्या रहे हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, हाइपर। इसके बोला हाइपरवेलेंट आयन्स भी हो सकते हैं, सल्फेट आयन 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फॉस्फेट आयन 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सही है। शेयरिंग करके देखें SF6 में 12 कैसे हैं, एक ये आ गया 12 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के साथ 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही IF7 में 14 में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये हाइपरवेलेंट है और ये हाइपरवेलेंट आयन्स है। दूसरा था नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल जैसे इसके अलावा जैसे ले लिया ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड जैसे ले लिया NO, NO इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और O के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, तो जब ये इलेक्ट्रॉन 2 लेगा इससे तो ये भी 2 लेगा, 2 ही तो शेयर हुए सिर्फ इसमें, तो 7 आया ना नाइट्रोजन के पास, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, एन डबल बॉन्ड हो और ये तो पेयर रहेंगे इसके पास और इसके पास ये, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, NO ऑड इलेक्ट्रॉन है, NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन है, NO2 और इसका Cl2, सही ना, ये क्या है, दीज आर ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स, ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स है, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं जबकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सबके रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीज़न सबके बनेंगे कि ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, ये भी एग्जिस्ट करेंगे, ये अपने आप ही डाइमर बना लेंगे, दो मिल जाएंगे एक साथ, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो मिल करके डाइमर बना देंगे, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आ गया रीज़न। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन, ज़ेनॉन का तो नॉबल गैस है, ज़ेनॉन तो नॉबल गैस कंफिगरेशन है, फिर ये कंपाउंड क्यों बना रहा है, लाइक XCF2, XCF4, XCF6, XCOF2, XCO3, XCO4, ये सारे कंपाउंड ज़ेनॉन के हैं, ज़ेनॉन तो नॉबल गैस है, व्हाट इज फॉर्मिंग कंपाउंड्स, तो ये लिमिटेशन में आ जाएगा इसकी, क्या कहते हैं, ऑक्टेट थ्योरी की, ऑक्टेट थ्योरी की लिमिटेशन में ये भी आ गया। फिर इसके अलावा आ गया फिफ्थ, ऑक्टेट थ्योरी डज नॉट गिव शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। सिक्स्थ, डज नॉट गिव एनर्जी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्योंकि एनर्जी बॉन्ड जो बन रहे हैं टूट रहे हैं, तो एनर्जी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा है, एनर्जी के से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। फिर ऑक्टेट अगर बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड जैसे कंपाउंड से हाइड्रोजन क्यों बन रहे हैं, हालांकि इसने बोला था कि क्या कहते हैं ड्यूप्लेट भी स्टेबल चीज़ है, तो कंपाउंड से हाइड्रोजन ले सकते हैं हम ऑक्टेट थ्योरी के लिमिटेशन में, क्योंकि तो उसमें ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, उसमें क्या कंप्लीट होगा, ड्यूप्लेट। फिर क्वेश्चन आया जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, इसमें से ऑक्टेट रूल कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन दिया OF2, बी SF, नहीं ये लिखते हैं CH4, सी AF3, डी CaCl2, ये ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। विच द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन कौन सी है इसमें से, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन, ये ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसका आंसर, नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। तो ये ट्राई करना कौन सा इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आगे। ओके थैंक्स।